सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, डीपीओ विहारी के दफ्तर के बाहर खवातीन का इंसाफ के असूल के लिए एहतजाज, मुतालबात के हक में नारेबाजी की। सारा बीबी ने बताया कि चंद रोज कबल बूरेवाला में मेरे खावंद सब्जी फरोश समीउल्लाह से जबरदस्ती दुकान खाली करवाने के लिए अकबर और साथियों ने बोतल में पेट्रोल डालकर दुकान में फेंक दिया, जिससे दुकान जलकर राख हो गई। जबकि मेरा खावंद समीउल्लाह शदीद जुलस गया। मैंने पुलिस थाना मॉडल टाउन को बताया तो मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। चार दिन हो चुके हैं मगर ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। सामाजिक कारकन खालदा सलदेरा ने कहा कि पुलिस में असलाहत के बावजूद थानों में खवातीन को कोई इज्जत नहीं दी जाती है, ना ही इंसाफ फराहम किया जाता है। थानों में बने हुए वुमन डेस्क भी गैर फाल हैं। थानों में तफ्तीश के नाम पर खवातीन की तजलील की जाती है। आरपीओ मुल्तान डीपीओ विहारी से दरख्वास्त है कि खवातीन की तफ्तीश के लिए खवातीन असरा तैनात की जाए ताकि खवातीन बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। डीपीओ विहारी जहर बुजदार ने एहतजाज करने वाली खवातीन को अपने दफ्तर बुलाकर शिकायत सुनी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। जी लेकिन अभी तक टीम के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो मैं आई जी पंजाब के सामने जाकर अपनी बहनों को बेटियों को पेश करूँ, क्योंकि इधर इंसाफ ना कोई चीज़ भी नहीं।